Hello and assalamu alaikum, dear students. This is Javed Ahmed Bhatt again with you in this online revision capsule course. Dear students, today we are going to discuss the one more chapter of the class 8th political science. ठीक है, तो स्वागत है आप सब स्टूडेंट्स का फिर से हमारे इस ऑनलाइन रिविजन कैप्सूल कोर्स प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 8th हिस्ट्री, क्लास 9th हिस्ट्री और क्लास 10th हिस्ट्री. जो है कुछ लेक्चर्स हो गए, अभी 8th का कुछ थोड़ा सा पेंडिंग है. ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर है डियर वो है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन. ये पॉलिटिकल साइंस का एक और चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्लास 8th पॉलिटिकल साइंस का है, तो हम आज इसी को डिस्कस करेंगे. अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन. ठीक है डियर स्टूडेंट, व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड. पहले हम ये पढ़ेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि सोशली मार्जिनलाइज्ड क्या होता है. तो आपने सुना होगा ना, बहुत बार हम जो है बोलते हैं कि वो इतने मार्जिन से हार गया, इनका इतना बड़ा मार्जिन दे दिया गया. ठीक है, तो मार्जिनलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग रहती है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स में. ठीक है, अलग अलग जगहों पे उसकी अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन यहां पे जो मार्जिनलाइजेशन की डेफिनेशन है वो हमें पढ़ना है. सोशली जो मार्जिनलाइज्ड है, जो सोशली मार्जिनलाइज्ड है, हम उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे. सोशली मार्जिनलाइज्ड यार, जो सोशली जो हमारी सोसाइटी में है, जो एक्सट्रीम है या जो एक्सक्लूडेड है, नॉट इंक्लूड, जो सोसाइटी से बाहर है या जो पीछे है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं. आप डेफिनेशन पे ध्यान देंगे क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं आपके साथ डियर स्टूडेंट्स. मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ ताकि ये चीज़ कल को आपको जो है एग्जाम में हेल्प कर देगा. ठीक है, मार्जिनलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ सोशल प्रोसेस टू गेट कन्फाइंड टू अ लोअर स्टेटस. इट हैपन्स व्हेन पीपल गेट रिजेक्टेड फॉर फंडामेंटल राइट्स ड्यू टू देयर लो सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस. ए सिचुएशन वेयर अ सोशल ग्रुप इज फोर्स्ड टू लीव इन कन्फाइनमेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम. जहाँ पे हम देखते हैं जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं उनको जो है वो सोसाइटी से जो है एक्सक्लूडेड किए जाते या उनको उतने राइट्स नहीं दिए जाते या उनके पास उतनी सारी फैसिलिटीज जो है वो नहीं होती है. अब इस चैप्टर में भी हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं. यहाँ पे हम एक दो कम्युनिटीज का डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम आदिवासीज के बारे में जानेंगे और यहाँ पे हम जो माइनॉरिटीज है, स्पेशली जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है कंट्री के अंदर, उनको देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मार्जिनलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ सोशल प्रोसेस टू गेट कन्फाइंड टू अ लोअर स्टेटस. जहाँ पे हम इनका मानते हैं कि इनका जो स्टेटस है वो लोअर है या ये पीछे वर्ग के या निचले वर्ग के लोग है जिनको असल में हम कहेंगे ना बाहर रखते हैं. ठीक है, तो अब इस मार्जिनलाइजेशन का क्या होता है, इस मार्जिनलाइजेशन के कुछ रीजंस हैं. ठीक है, जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे वेरियस रीजंस फॉर मार्जिनलाइजेशन. हो सकता है आपको पूछा जाएगा डिफाइन द टर्म सोशली मार्जिनलाइज्ड, तो आप ये जो है ये डेफिनेशन आप इजीली दे सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे वेरियस रीजंस फॉर मार्जिनलाइजेशन. मार्जिनलाइजेशन के बहुत सारे रीजंस है. ठीक है, जो ये जो सारा है आपको डियर स्टूडेंट हमारे पीडीएफ में भी जो है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा. People follow different languages, different customs, belonging to various religious groups, belonging to different majority communities. Poor people are called low status people and less human from others, pointing to their inability to access their rights, making them feel a sense of powerlessness. ठीक है, तो आप देखेंगे ना यहाँ पे जब marginalization की बात होती है तो ये marginalization किस चीज के ऊपर होती है, देखते हमारी country में क्या होता है. हमारी country में आपको देखेंगे लोग बहुत सारी languages है, बहुत सारे traditions है, बहुत सारे cultures है ना, तो साथ साथ क्या है, बहुत सारे religions भी है. लोअर स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी कि गरीबी की रेखा से भी वो नीचे ही है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से भी आते हैं, तो उनको ये फील कराया जाता है कि आप लोग जो है ना, आपका स्टेटस नीचा है या आप हमारे से बराबर नहीं है, आप हम में से नहीं हो. ये आप समझ ले, जो सोशली मार्जिनलाइज्ड की जो मेन चीज आपको समझना, जो मेन क्रैक्स वो आप समझ ले. जब हम बोलते हैं ना किसी को कि ये जो इकोनॉमिकली वीक है या इनका रिलीजन ये है या हमारे रिलीजन से नहीं है या हमारे कास्ट से नहीं है, ये हमारी लैंग्वेज नहीं बोलते, तो हम में से नहीं, इनको बाहर रखा करो, ये हम में से नहीं, यानी कि हम उनको एक्सक्लूड करते, तो उसको असल में कहते हैं मार्जिनलाइजेशन. ठीक है, the sense of exclusion and difference with the marginalized groups leads to the groups not to use the opportunities and resources and abolish their rights.
they feel powerless and disadvantaged from high society. Certain groups of society feel marginalized socially, culturally and economically. हम क्या करते हैं, हम उनको बाद में क्या है अलग निकाल देते हैं, एक्सक्लूड करते हैं. कि अगर इंक्लूड बोलेंगे तो इंक्लूड ये हो गया कि वो हम में से है, ठीक है, लेकिन एक्सक्लूड की जब बात होती है हम उनको फील कराते हैं कि आप हम में से नहीं है इसलिए आप हमसे दूर रहे, आप हमारी सोसाइटी से बाहर रहेंगे, आप हम में से नहीं है, आप हमारे साथ नहीं रह सकते. हम उनको ये चीजें जो है फील कराते हैं. उसके बाद क्या होता है, वो किस प्रकार से जो है किस तरह से उनको जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सोशली भी होता है, वो कल्चरली भी होता है और वो इकोनॉमिकली भी होता है. तो इस तरह से जो है मार्जिनलाइजेशन होती है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखेंगे हु आर आदिवासीज. ये एक आदिवासीज आपने देखा होगा, आदिवासीज के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है. ये वो लोग हैं जो जंगलों के करीब रहते हैं या जंगलों के अंदर रहते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं कि ये आदिवासीज है. ठीक है, आदिवासीज आर द कम्युनिटीज और ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स और ट्राइब्स हु हैव लिव्ड एंड विल कंटिन्यू टू लिव क्लोज टू द फॉरेस्ट. जो चीज मैंने आपको पहले ही समझाई कि ये जो लोग हैं ये आदिवासीज या तो लिव इनसाइड फॉरेस्ट और क्या होगा और क्लोज टू फॉरेस्ट. ठीक है, वो लोग हैं जो जंगलों के करीब रहते हैं या जंगलों के बिल्कुल अंदर रहते हैं, डीप नहीं, बिल्कुल जंगलों के अंदर या जंगलों के करीब आप मान लें. ठीक है, तो सोसाइटी का ये मानना है, हम लोगों का ये मानना है कि ये जो कैटेगरी है ये जंगली कैटेगरी है ना, हम इनको एक्सक्लूड कर देते कि आप हमारे से नहीं, आप हमारे साथ नहीं रह सकते, आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि आप हम में से नहीं. हम उनको ये फील कराते हैं, है ना, तो एज अ डिस्क्रिमिनेशन भी आप कहते हैं, हम इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. ठीक है, यहां पे ध्यान रखेंगे इन इंडिया अराउंड 8% ऑफ द पॉपुलेशन इज अ ट्राइबल पीपल और आदिवासी. तो इंडिया के अंदर कम से कम 8% के जो लोग हैं, करीब 8% के करीब जो लोग हैं वो क्या है, वो ट्राइबल पीपल है जो जंगलों के पास रहते हैं या जिनको आदिवासी कहते हैं. द मोस्ट वाइटल माइनिंग स्मॉल स्केल सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर सिचुएटेड विद इन द आदिवासी एरियाज लाइक रोरकिला, बुकारो, बिहाली, जमशेदपुर एंड लॉट मोर. ठीक है, जो मोस्ट ऑफ जो हमारे पास जो माइनिंग एरियाज है या जो हमारे पास स्मॉल स्केल सेक्टर्स है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, वो ज्यादातर जो है डियर स्टूडेंट्स वो ज्यादातर इन्हीं ट्राइबल एरियाज के पास होते हैं. देयर आर ओवर 500 आदिवासी ग्रुप्स हिंदुस्तान के अंदर. जो है करीबन 500 के करीब जो डियर स्टूडेंट्स है आदिवासी ग्रुप्स है, पर्टिकुलरली इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम. नियरली 500 जो है 500 आदिवासी ग्रुप्स, ये कबीले हैं जो इन जंगलों में इन सारी स्टेट्स में, चाहे वो सेंट्रल इंडियन स्टेट्स कुछ आती है या ईस्टर्न स्टेट्स आती है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं. ठीक है, in Odisha you can find 60 different tribal groups who are grouped into scheduled tribes and scheduled caste people and follow different hierarchical systems. They believed in the principle of caste or jati varna since the king's ruling system. Odisha mein aapko kareeban 60 different tribal groups milenge jo abhi bhi wahan pe purana system hai, jahan pe aaj bhi kahin na kahin jo hai varna system ya caste system ko jo hai prevail kiya jaye ya us cheez ko abhi bhi practice wahan pe करते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स यहां पे आदिवासीज फॉलो डिफरेंट ट्राइबल रिलीजियंस दैट इन्वॉल्व प्रेइंग टू एंसेस्टर्स. अब यहां पे जो है दे डू नॉट फॉलो रिलीजियस सच एज इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म. ज्यादातर जो लोग ये जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, ज्यादातर जो उनके पास रिलीजन है वो ज्यादातर ये नहीं कि वो हिंदूज है या वो मुसलमान है या क्रिश्चियन सिखिज्म को, बल्कि उनके जो वहां पे रिलीजन है, जो वहां पे फेथ है, जो वहां का बिलीफ है, ज्यादातर उनका क्या है कि वो ज्यादातर क्या करते हैं, प्रेइंग टू एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, माउंटेन स्पिरिट्स, एनिमल विलेज स्पिरिट्स. ठीक है, इन चीजों का जो है वहां पे इन चीजों की वहां पे इबादत की जाती है. Many Adivasis followed worship in Lord Jagannath, Shakti and Tantric traditions from Orissa, Bengal and Assam respectively, but within the 19th century many Adivasis converted themselves into Christianity which became an important religion for them. 19th century, jab 19th century ki baat hogi to hum kya dekhte hain ki bahut sare jo Orissa,
बंगाल और आसाम में जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स है वो आजकल जो है क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करते हैं या ईसाईयत को आप बोल सकते हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? 19th century यानी कि जब क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आ गई, ये इन्फ्लुएंस उसी टाइम हो गया, तो वो अपने आप को किस में कन्वर्ट किया? क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, तो ये वो ग्रुप से जो जंगलों के पास रहते हैं, ठीक है, इनका अपना एक लाइफ स्टाइल है, ठीक 8% के करीब हम बोलते हैं, मोस्टली ईस्टर्न और सेंट्रल इंडियन कुछ टेरिटरीज में इनको पाया जाता है। ठीक है, वेस्ट में भी है, साउथ में भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके अपनी रिलीजन है, जो वहाँ के जो लोकल, चाहे वो दरख्त हो या किसी एनिमल जानवर की पूजा कर रहा। ठीक है, कुछ उड़ीसा, बंगाल और असम में जो है ये लोग लॉर्ड जगन्नाथ शक्ति तांत्रिक ट्रेडिशंस, और बाद में ये 19th century में ये जो लोग है ये क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे लोग जो है कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और जो इनकी लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस भी डियर स्टूडेंट्स इनकी जो है वो डिफरेंट ही है ना, इनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस है। आदिवासीज एंड देयर स्टीरियोटाइप क्या होता है? आदिवासीज आर पोर्ट्रेड इन वेरियस स्टीरियोटाइप्स विद इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, हेडगियर एंड थ्रू देयर डांसिंग। बिसाइड्स दिस वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज ऑफ देयर लाइव्स। दिस रॉन्गली लीड्स टू पीपल बिलीविंग दे आर एग्जॉटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। तो यूजुअली हम लोग कैसे इनको असल में डिफरेंशिएट करते हैं, जब इनका हम कॉस्ट्यूम देखते हैं, ठीक है, ज़्यादातर ये देखा गया है कि इन लोगों का जो कॉस्ट्यूम है, जो सर पे या कानों में, नाकों में या गले में कुछ चीज़ें लगा रहे, इनका जो कॉस्ट्यूम है उस हिसाब से हम इनको क्या करते हैं, हम इनको डिस्क्राइब करते हैं, ये प्रिमेटिव है, ये जंगली है, इनके साथ नहीं बैठ सकते हैं, ये डेंजरस है, इनके साथ बात नहीं कर सकते, इनके साथ नहीं बैठ सकते, इनके साथ नहीं खेल सकते। तो इनके कॉस्ट्यूम की वजह, इनका कल्चर या जो इनकी लैंग्वेज है, इस वजह से हम इनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या उस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये जो दो फोटोज़ मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो ये कलर, ये आप यहाँ देख सकते हैं या आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉस्ट्यूम जो इनका है या ये जो चीज़ें इन्होंने लगे, इसकी वजह से जो है, इसकी वजह से इनके साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम कहते हैं कि ये जो ट्रेडिशन है या जो ये क्लॉथ स्टाइल जो है, ये खाने का स्टाइल या पहनने का जो स्टाइल है, ठीक है, जो ऑर्नामेंट्स है, क्लॉथ्स है, ठीक है, इस चीज़ की वजह से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। हम कहते हैं कि नहीं, ये जो चीज़ें करते हैं ये कौन करता है, ये जंगली करता है। ठीक है, बिसाइड्स दिस वी सी देम टू वेरी लिटिल अबाउट देयर, मगर असल में क्या है कि हमें इनकी रियलिटी के बारे में पता ही नहीं है, इनकी जो असल लाइफस्टाइल है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हमें है नहीं। ठीक है, आप समझ ले इस बात को, हम जो डिस्क्रिमिनेशन करते या तो उनकी लैंग्वेज देख के या उनका कल्चर या उनका जो कॉस्ट्यूम है, जो कपड़ा उन्होंने पहना या जो ऑर्नामेंट्स उन्होंने लगे, उसके बेस पे हम, उसके आधार पे हम बोलते हैं कि नहीं, ये लोग जो क्या है, ये जंगली है। ठीक है, तो उसके बेस पे हम इनके साथ फिर डिस्क्रिमिनेशन, जबकि रियलिटी में हमें पता नहीं है लिटिल अबाउट द रियलिटीज ऑफ द, हमें बहुत कम पता होता है इनकी लाइफ के बारे में कि असल में इनकी लाइफ कैसे होती है। ठीक है, ये आप देखेंगे ना, ये जब चीजें हम देखते हैं ना, ऐसे देखिए फोटोज, इनका जो कलरफुल कॉस्ट्यूम है या जो ये यहाँ पे देखेंगे ना, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये चीजें देखें ना, हम बोलते हैं कि ये लोग जो है ये क्या हो गए, ये ट्राइबल्स हो गए, जंगली लोग हैं। तो इस चीज के ऊपर हम इनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो बहुत कम रियलिटी जो है, बहुत कम रियलिटी हमें इनकी लाइफ के बारे में, जो इनकी लाइफ की जो रियलिटी है उसके बारे में हम बहुत कम ही जानते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखेंगे ना, आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, उनकी जो हिस्ट्री है, टिल 19th century फॉरेस्ट इज कवर्ड ए मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री एंड आदिवासीज हैड कंट्रोल एंड डीप नॉलेज अबाउट इट, दे ऑफन हेल्प एम्पायर्स इन एक्सेसिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसके बारे में आगे दो क्लासेस 9th और 10th भी आ रहा, जहां पे इसके बारे में डिस्कशन होगा 19th century तक। क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि 19th century में डियर स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द 19th century, तो 19th century तक हम बोलते हैं कि 19th century में हमारा यहाँ पे एक एक्ट बना था, फॉरेस्ट एक्ट 1865 में। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या बोलते हैं कि उससे पहले जो था, जो फॉरेस्ट्स की नॉलेज थी, नॉलेज अबाउट जो हम कहेंगे ना, नॉलेज अबाउट फॉरेस्ट्स, नॉलेज अबाउट फॉरेस्ट्स, तो वो किसको थी, वो इन्हीं फॉरेस्ट पीपल को होती थी। किनको होती थी?
फॉरेस्ट पीपल को, तो क्या होता था उस टाइम फॉरेस्ट पीपल के, जब भी किसी बादशाह को या किसी अंपायर को वहां से लकड़ी या कोई चीज चाहिए थी, ज्यादातर इन्हीं फॉरेस्ट लोगों को ही बोला जाता था, इनसे ही हेल्प यहाँ पे मांगी जाती थी। क्यों इनसे हेल्प मांगी जाती थी डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको फॉरेस्ट के डेप्थ के बारे में पढ़ा था, इसके अंदर क्या चीजें हैं, किस प्रकार की लकड़ी है, ठीक है, वुड कैसा है, टिम्बर कहाँ पे, कौन सी चीज अवेलेबल है, किस तरह की जमीन है, ये सब चीजें उनको पता थी। इसलिए जब भी फॉरेस्टर्स के अंदर किसी भी अंपायर को, किसी भी बादशाह को जाना होता था, वो ज्यादातर इन्हीं लोगों को कंसल्ट करते थे। लेकिन ये कब तक था? 19th century। उसके बाद जब फॉरेस्ट एक्ट आ गया, तो फॉरेस्ट एक्ट की वजह से जो है इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड दे वर हंटर्स हु वर ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कल्टिवेटिंग एंड लीडिंग अ नोमेडिक लाइफ। आदिवासीज वर फोर्स्ड टू चेंज देयर इकोनॉमिक स्टेटस, फॉरेस्ट एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, सो दे स्विच्ड देयर जॉब्स एज वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक वर्कर्स व्हिच फोर्स्ड देम टू लीव द फॉरेस्ट्स एंड इट्स एक्सेस। After 1830, Adivasis moved to the states and some left the country and moved to the countries like Australia, Mauritius, Caribbean. In Assam, 70 lakh Adivasi successfully launched a tea factory and have become the famous. यहाँ पे आप ये चीज समझिए है डियर, 19th century की जब बात आती है, 19th century की जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप समझ ले इसको, 19th century में यहाँ पास होता है फॉरेस्ट एक्ट, होता है फॉरेस्ट एक्ट जो बनता है 1865 में। अब इस फॉरेस्ट एक्ट की वजह से क्या होता है ना, इस फॉरेस्ट एक्ट की वजह से क्या होता है, चेंजेड द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट पीपल। जो लाइफ थी, जो जिंदगी कल तक चल रही थी, जो मिड ऑफ द 19th सेंचुरी तक जो लाइफ चल रही थी फॉरेस्ट लोगों की, या जो फॉरेस्ट के अंदर लोग रहने वाले थे, चाहे इनका जो काम था यहाँ पे, चाहे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, है ना, चाहे वो क्या था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या वो हम कहेंगे यहाँ पे ग्रेजिंग भी करते थे, ठीक है, या यहाँ पे होती थी हंटिंग भी होता था, है ना, उसके बाद साथ साथ क्या होता था, गैदरिंग, है ना। तो फॉरेस्ट पीपल ज्यादातर इन्हीं चीजों में, और जो जंगल के अंदर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट के अंदर चाहे वो हॉर्न्स हो, सींग हो, ठीक है, स्किन हो, है ना, सिलिक कोकून्स हो, या और कोई फॉरेस्ट मेडिसिनल प्लांट्स हो, वो सब चीजें इसी में एंगेज रहते, ये इनका काम धाम था, ठीक है, ये सब, चाहे वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन हो, या पेस्टोरल एक्टिविटीज हो, ग्रेजिंग हो, ठीक है, हंटिंग हो, गैदरिंग हो, या दूसरे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर ट्रेड होता था वो करता था। लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट एक्ट आ गया ना, फॉरेस्ट एक्ट बना, तो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर फॉरेस्ट्स की कुछ कैटेगरीज बनाई गई, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इस फॉरेस्ट एक्ट से जो है इन पेस्टोरल, इन आदिवासियों की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई, या इनको मजबूर किया गया कि आप कोई दूसरा काम जो है ना अडॉप्ट करें। तो मजबूरन क्या हो गया कि ये लोगों ने फिर अपना काम ही, जो इनका ट्रेडिशनल था, या हेरिडेटरी आप जिसे कहेंगे, जो इनका ट्रेडिशनल था, हेरिडेटरी जो काम था डियर स्टूडेंट्स, वो बदल गया। यानी कि अब यहाँ पे आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते, आप यहाँ पे जो है हंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, और साथ साथ आप यहाँ पे कोई ग्रेजिंग नहीं कर सकते, आप जंगलों से जो आपको प्रोडक्ट्स जो आपको मिलते हैं, ठीक है, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, उसका भी आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो ये सारा बंद हो गया आप इनका, ठीक है। तो इन आदिवासियों की जो लाइफ है ना, वो पूरी तरह से जो है, आदिवासियों की जो लाइफ है डियर स्टूडेंट्स, वो पूरी तरह से चेंज हो गई। यानी कि दे वर फोर्स्ड, यहाँ पे इनको फोर्स किया गया कि आप काम दूसरा जो है अडॉप्ट करें। तो एज अ रिजल्ट क्या हो गया कि ये जो फॉरेस्ट पीपल है, या जिन्हें आप ट्राइबल्स कहते हैं, या जिन्हें आप आदिवासी कहते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि ये आदिवासी जो है डियर स्टूडेंट्स, आदिवासी जो है, इन्होंने जो है अडॉप्टेड द न्यू ऑक्यूपेशन। ये क्या बन गए, ये बन गए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बने, ठीक है, ये बने माइन वर्कर्स, क्या बने, माइन वर्कर्स, और ये बने प्लांटेशन वर्कर्स, क्या बने, प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है। तो कुछ लोगों ने फिर अपनी जमीन थोड़ी सी खरीद ली और उसमें जो है अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर दिया। तो कल तक जो था डियर स्टूडेंट्स, वो ये था कि इनकी लाइफ अच्छे से चलती थी,
इनका जो ट्रेडिशनल काम था वो था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कॉलोनियल रूल आ गया, फिर इसमें चाहे पब्लिक इंटरफेरेंस रही हो या इसमें जो है प्राइवेट इंटरफेरेंस रही हो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है इनकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई, ठीक है। तो हम क्या, हम वही चीज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। After 1830, यहाँ पे देखिए, so they switched their jobs as workers in construction sites, industries and domestic workers, which forced them to leave the forests and it is excess. तो आप इनको मजबूर किया गया ना, जो laws आ गए, क्यों 19th century से, यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखा है 19th century, क्यों dear 19th century, आपको पता होना चाहिए कि 19th century की जब बात आती है, आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स 19th century कहाँ से स्टार्ट होती है। When we talk about the 19th century, when we talk about 19th century, 19th century का मतलब होता है 1801 से लेके, from 1801 to 1899, तो ये 19th century हो गई। लेकिन जो इनकी लाइफ में, जो आदिवासी के लाइफ में जो चेंजेस आने लगी वो मिड 19th century से आने लगी। कहां से? मिड 19th century से डियर। मिड 19th सेंचुरी का टाइम कहां से आ गया? ये आ गया 1850 से, फिर है ना, ऑनवर्ड्स 1850 से। तो अभी मैंने क्या बोला था, फॉरेस्ट एक्ट कब, 1865 में, तो चेंजेस वही से आ गए। तो इनको फोर्स किया गया कि फॉरेस्ट्स के अंदर आपका जो रहना था वो बंद हो गया, फॉरेस्ट्स के अंदर नहीं रह सकते, है ना, वहां पे एक्सेस भी नहीं है आपको, तो इनको मजबूरन स्विच करना पड़ा, यानी कि इनको ट्रांसफर होना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो इनका नया काम वहां पे कुछ अलग ही था। कल तक जो ये हंटिंग करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, वो सारा बंद हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये जो है आदिवासी स्टेपिंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेवलपमेंट की तरफ जो है अब ध्यान दे दिया। स्लोली फॉरेस्ट्स वेर क्लियर फॉर मेकिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे फॉरेस्ट्स को क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, काटा जा रहा है, किस लिए, ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को जो है डेवलप किया जाए। आदिवासीज वेर शेल्टर्ड एट प्लेसेस रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, माइनिंग एरियाज, मिनरल एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ओवर 550% सोर्सेज के हिसाब से 50% ऑफ आदिवासीज वर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द लॉन्चिंग ऑफ माइनिंग प्रोजेक्ट। 79% पीपल वेकेट देयर लैंड्स एंड वेयर फ्रॉम द ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश फॉर बिल्डिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डैम्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। कम से कम जो ये चीज, ये जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज का काम बढ़ रहा था, माइनिंग हो रही थी, डेम्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, उसकी वजह से करीबन 50% के करीब जो लोग है आदिवासी के, उनको जो है वैकेट करना पड़ा या उनको वहां से हटाया गया उन जगहों से। और साथ साथ क्या है, 79% के पीपल को जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश से करीब 79% जो पीपल है उनको अपनी जगह जो है वो छोड़नी पड़ी, क्योंकि वहां पे जो है वहां पे कोई और काम अब होने जा रहा था, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे द लैंड्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया वेयर मिलिटराइज्ड टू मेक 104 नेशनल पार्क्स ओवर 40,501 किलोमीटर्स ऑफ लैंड एंड 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। आदिवासी फेस्ड हार्डशिप्स एंड पॉवर्टी। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये सारी चीजें, फॉरेस्ट एक्ट आप आ रहे हैं, आप आदिवासी को जो है इवैक्यूएट करवा रहे हो, है ना, इवैक्यूएट का मतलब है उनको अपनी जगहों से निकाल रहे हैं। अब उनको अपनी, आप फॉरेस्ट से तो उनको निकाल रहे हैं, लेकिन वहां पे कर क्या रहे आप, वहां पे माइनिंग हो रहा है, वहां पे इंडस्ट्रीज बन रही है ना, वहां पे प्लांटेशन वर्क हो रहा है, ठीक है, साथ साथ वहां पे जो है बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्डशिप्स है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, ठीक है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट द आदिवासी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखेंगे ना, मार्जिनलाइजेशन इन माइनॉरिटीज। अब यहां पे एक और चीज आती है, मार्जिनलाइजेशन एंड माइनॉरिटीज। अभी आदिवासी के बारे में, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, तो यहां पे एक और चीज है, वो माइनॉरिटीज आ रही है, आपकी कंट्री में कौन सी माइनॉरिटी है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए डियर, जब आप मेजॉरिटी की बात करते हैं और जब आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां जब हम आदिवासी के बारे में बात कर रहे थे, यहां पे देखेंगे ना, हमने बोला क्या कि जमीन को जो है इसको चेंज कर दिया गया, वहां पे नेशनल पार्क्स हो रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बन रही है, गेम रिजर्व्स, वहां पे प्लेग्राउंड्स बन रहे हैं। आदिवासी फेस्ड हार्डशिप्स एंड पुअर्टी, वेयर 45% ऑफ आदिवासी लिव इन रूरल एरियाज एंड 35% इन अर्बन एरियाज बिलो द पुअर्टी लाइन एंड फेसिंग प्रॉब्लम्स सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, लो लिटरेसी रेट, मालनरिश्ड चिल्ड्रन,
लॉस ऑफ ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स मोर. तो इन इसकी वजह से तो गांव वाले जो क्षेत्र है, रूरल एरियाज जिन्हें आप कहते हैं, वहाँ पे करीबन 45% की जो आदिवासी पॉपुलेशन है. इसी तरह से शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर अगर आप देखोगे, नियरली 35% के करीब आदिवासी पॉपुलेशन ऐसी थी जो बिलो पॉवर्टी लाइन के रहती थी. तो उस वजह से इनका जो स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, वो नीचे हो रहा है ना, वो नीचे. अब जिसकी वजह से इनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, इनको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जा रहा है. इनको अमीर लोग जो है वो अलग कर रहे हैं कि आप हम में से नहीं है. तो इनके साथ जो है मार्जिनलाइजेशन, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन असल में हो रहा है, ठीक है. तो इसी तरह से आप देखेंगे ना, यहां पे एक और कम्युनिटी है, वो है कौन सी, यहां मार्जिनलाइजेशन एंड माइनॉरिटीज की बात आती है. आप देखिए, पहले आपको यह समझना है मेजॉरिटी किसे कहेंगे और माइनॉरिटी किसे कहेंगे, ठीक है. तो मेजॉरिटी का मतलब हो सकता है, यहां पर मेजॉरिटी की जब बात आती है, हो सकता है आप रिलीजियस मेजॉरिटी की बात कर रहे हो, आप रिलीजियस मेजॉरिटी की बात करें. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, अगर इंडिया में हम कहेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में जो है वो हिंदूज है ना. तो बाकी जो आते हैं उसमें मुस्लिम है ना, उसमें क्रिश्चियंस है, उसमें जो है सिख्स है ना, उसमें जैनस आते हैं. तो ये सब किस में आएंगे, ये माइनॉरिटी में आते हैं, यानी कि ये लोग कम है. आप समझ लें इसको, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी. यहां पे मार्जिनलाइजेशन की बात हो रही है, यानी कि आप इनके साथ यहां पे जो है हम कहेंगे ना, डिस्क्रिमिनेट हो रहा है सोशली, कल्चरली या रिलीजियसली, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. देखिए कैसे, द स्मॉल कम्युनिटीज कंसर्निंग द रेट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर रेफर्ड टू एज माइनॉरिटीज. द स्मॉल कम्युनिटीज कंसर्निंग द रेट्स ऑफ द पॉपुलेशन, जो स्मॉल कम्युनिटीज होती है जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, जो यहां पर कम है, ठीक है. अब जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हो सकता है बिलोंग करें, तो वो मेजॉरिटी में आएंगे. अब जिनकी पॉपुलेशन कम होगी, जो किसी अलग रिलीजन से बिलोंग करते या डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते और उनकी पॉपुलेशन कम आती है, तो हम इनको माइनॉरिटीज में काउंट करते हैं, ठीक है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड परमिटेड द मेजॉरिटी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड permitted the majority of people in the society and government to express themselves, so the size of the community can be disadvantaged and may lead to marginalization. Ab yahan pe dekhe, the Indian constitution had permitted the majority of the people in the society and the government to express themselves, so the size of the community can be what, disadvantaged and may lead to marginalization. This was why safeguarding the minority community was necessary, so that they would not get dominated by the majority. It protected them against discrimination and disadvantage they could have faced. यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी, ठीक है. हमारी यहाँ पे सेंसस होता है, पॉपुलेशन सेंसस होता है, हम निकालते हैं वहाँ पे हिंदूज की कितनी पॉपुलेशन है, मुस्लिम्स की कितनी है, सिखों की कितनी है, क्रिश्चियंस की कितनी है, जैन की कितनी है, बुद्धिज्म वालों की कितनी है. तो हमें पता चलता है कि मेजॉरिटी में कौन है और माइनॉरिटी में कौन है, ताकि आगे जाके जो हम लॉज फ्रेम करेंगे इस हिसाब से फ्रेम करेंगे, ताकि जो माइनॉरिटी वाले उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए या उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, ताकि उनके राइट्स को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर सकेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी, प्रमोटिंग इक्वालिटी, जस्टिस, सिक्योर्ड लाइफ एसेट्स एंड वेलनेस ऑफ पीपल, वाइल मेंटेनिंग बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज. आपको मैंने कल भी शायद ये बात बताई थी, अगर आपको पता होगा, द फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास 8 द पॉलिटिकल साइंस, वो हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक, जो हमने पढ़े थे वो थे फंडामेंटल राइट्स, जो किसी भी इंसान, जो भी कोई इंडियन सिटीजन, वो फंडामेंटल राइट्स वो एंजॉय कर सकता है, रेस्पेक्ट ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, जो भी होगा उसको, ठीक है. तो यहां पे मेजॉरिटी जो है ये माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, इसलिए यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो इनके राइट से उनको प्रोटेक्ट किया जाए या मेजॉरिटी उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके, ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी, प्रमोटिंग इक्वालिटी, जस्टिस, secured life assets and wellness of people while maintaining balance. तो constitution of India क्या करेगा, constitution of India करता है balance system, ठीक है. ये जो fundamental rights दिए, ये सबको दिए. आपने देखा होगा हमने पढ़ा था secularism. Secularism का मतलब क्या था, कि इंडिया में कोई भी official religion नहीं है या इंडिया के अंदर कोई भी national religion नहीं है. ऐसा क्यों किया गया, why not, जब आप कहते हो कि हिंदूज मेजोरिटी में, why not it has been declared there कि हिंदुइज्म is a national, नहीं, ताकि अगर वैसा होता है ना, अगर ऐसा होता तो फिर ये वो मेजॉरिटी हो सकता, वो डोमिनेट भी
कर देती है या उसकी वजह से जो माइनॉरिटी वाले हैं यानी कि जो बाकी लोग हैं चाहे वो मुसलमान हो सिख हो या क्रिश्चियन हो जिनकी तादाद कम है उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। इसलिए हिंदुस्तान में ये फ्रीडम रखी गई थी कि आपका जो कल्चर है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपका ट्रेडिशन है, जो आपका फूड स्टाइल है ना, आपको राइट टू इक्वालिटी है, आपको राइट टू फ्रीडम भी है, आपको राइट टू लाइफ भी है, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी। ये क्यों दिया गया? ताकि इस सिस्टम जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को इनके बीच में बैलेंस क्रिएट की जाए, ठीक है। तो आप यहां पे देखेंगे मार्जिनलाइजेशन एंड मुस्लिम्स, यहां पे पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को डिस्कस किया जा रहा है, एक कम्युनिटी को हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, जो लास्ट सेंसस हुआ था, डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो लास्ट सेंसस हुआ था इंडिया में वो हुआ था 2011 में, उसके बाद नहीं हुआ। 10 साल के बाद जो सेंसस होना था वो नहीं हुआ था 2021 में क्योंकि कोविड चल रहा था, ठीक है। तो जो 2011 का सेंसस है उसके हिसाब से मुस्लिम्स आर 14.2% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों की पॉपुलेशन है वो 14.2% है। आप समझ ले इसको, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि हमें चीजें समझ आ जाए। मुस्लिम्स आर 14.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंड आर कंसिडर्ड टू बी अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया टुडे बिकॉज इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज, और इनको मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में कंसिडर किया जा रहा है। ये कैसे हमें पता चलता है? जो 2011 में सेंसस हुआ था उसके आधार पे, उसके अनुसार ये पाया गया कि जो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है उनकी जो पॉपुलेशन है दैट्स 14.2%, है ना। तो बिकॉज इन कंपैरिजन टू द अदर कम्युनिटीज दे हैव ओवर द इयर्स बीन डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। शायद उसकी वजह से जो उनको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं उनको ये क्यों हो रहा है कि उनके इनको माना गया कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है या एक्सक्लूडेड है, यानी कि ये इंक्लूड फिर नहीं हो रहा है। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम बाद में जो है नेक्स्ट लेक्चर्स उनमें डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे आपको समझना है कि मुसलमान जो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको सोशल डेवलपमेंट और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बिल्कुल कम है एज कंपेयर टू द अदर कम्युनिटीज। अब यहां पे मैंने छोटा सा टेबल आपके लिए बनाया ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए। द डेटा इन द थ्री टेबल्स बिलो डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी विद रिगार्डिंग टू बेसिक एमिनिटीज लिटरेसी एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहां आप देखेंगे ये जो सेंसस है 2008 से लेकर 2009 तक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप हिंदू का देखेंगे, इसमें आप मुसलमान का पढ़ेंगे, इसमें आप क्रिश्चियन देखेंगे, सिख देखेंगे। देखिए अब यहां पे मैंने तीन कैटेगरीज दी, ये हो गया पक्का हाउस, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड इज द टेप वाटर, ठीक है। तो ये बेनिफिट, ये जो है ये बेसिक फैसिलिटीज है, कौन कितनी बेसिक फैसिलिटीज जो है वो एंजॉय कर रहा है या कितने। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देखेंगे पक्का हाउस यानी कि जिनके पास पक्के मकान है, हिंदूज की जो इसमें रेट आती है वो 65.4 है, जबकि मुसलमान की इससे नीचे 63.8, जबकि क्रिश्चियन की आती है 69.3 और जो सिख है वो 91.3 है। वो क्या आपको ये चीज समझ आ गई? हिंदुस्तान में जो सबसे कम रेट है ना पक्का हाउस का, यानी कि मुसलमान एक ऐसी कम्युनिटी, इन चार कम्युनिटीज में मुसलमान ही ऐसी एक कम्युनिटी है जिनकी रेट है यानी कि जिनके पास पक्के मकान वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द अदर कम्युनिटीज। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिजली हिंदूज के पास 75.2% है ना, मुसलमान के पास 67 है, जबकि सिखों के पास 96.0 है। सबसे ज्यादा सिखों के पास है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो एंजॉय कर वो 86.2 है वो क्रिश्चियन है, उसके बाद हिंदूज के पास ज्यादा आती है 75, जबकि मुसलमान के पास सिर्फ 67.5 आती है। इसके आप बात देखेंगे पानी की फैसिलिटीज, हिंदूज के पास 43.7% है जबकि मुसलमान के पास 35.8% है, 49% सिखों के पास है। सबसे ज्यादा जो टेप वाटर फैसिलिटी है वो एंजॉय कर रहे हैं सिख, उसके बाद ये फैसिलिटी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे क्रिश्चियन, और उसके बाद हिंदूज, और लास्ट में कौन आता है वो आते हैं मुस्लिम समुदाय। जो इंडिया का मुस्लिम समुदाय है वो ये चीज जो है ये फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं। तो ये माइनॉरिटीज जो है डियर स्टूडेंट, माइनॉरिटीज के हिसाब से हम देख रहे हैं ना इसको क्या किया, इनकी पॉपुलेशन देखिए 14.2%, लेकिन अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इनकी वो बहुत ज्यादा
कम है, इसका मतलब यह हुआ कि इनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, यह इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब देखिए यहां पे जब मुसलमान की बात आती है, अब यहां पे एक फोटो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक फोटो आप देख सकते हो ना, मैंने दी है यहां पे एक फोटो, ये है जस्टिस राजेंद्र सचार, ठीक है। इसको जस्टिस राजेंद्र सचार को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो मैं आपको बताऊं। लेकिन यहां पे मुसलमान जो है ना, मुसलमान कैसे यहां पे जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, आप देखेंगे यहां पे वो कुछ वुमेन से वाइल वेयरिंग द बुरका, ये क्या पहनती है, बुरका, एंड वाइल टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम मैन दे आर हैविंग द टर्बन एंड मेक अप विद द बियर्ड, ठीक है। तो इसका सोसाइटी पे एक अलग इफेक्ट रहता है, इसका सोसाइटी पे जो है माना जाता है इसका अलग इफेक्ट रहता है, या इनको इसकी वजह से एक्सक्लूड भी किया जा रहा है। मार्जिनलाइजेशन इन मुस्लिम्स कंटिन्यू है डियर, आप यहां पे देखेंगे, रिकॉग्नाइजिंग दैट मुस्लिम्स इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। अब देखिए यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टेकन आउट द स्टेप, जब पक्का हाउस की बात हुई, जब इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई, जब टेप वाटर की बात हुई, तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि हाँ जी ये जो पर्टिकुलर समुदाय है ये बेसिक फैसिलिटीज से जो है बेसिक फैसिलिटीज इनको नहीं मिल रही है, ठीक है। शायद ये बिकॉज दे आर इन द माइनॉरिटी, उसकी वजह से हो रहा है। तो इनकी डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा है, द गवर्नमेंट सेटअप ए हाई लेवल कमेटी इन 2005 में एक कमेटी बनाई गई थी और उसका हेड जो रखा गया था वो था जस्टिस राजेंद्र सचर। द कमिटी एग्जामिनेड द सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। इनको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि आप 2005 में ये जो है जस्टिस राजेंद्र सचर जो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप पता करेंगे जो सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस जो मुसलमानों का है वो किस है, यानी कि उनकी रेट क्या है, जो इनकी जो सोशल इकोनॉमिक या जो एजुकेशनल रेट है इनकी रेट परसेंटेज क्या है, सोशली कितने डेवलप्ड है, इकोनॉमिकली कितने डेवलप्ड है, एजुकेशनली कितने डेवलप्ड है, ठीक है। तो इसलिए इस कमेटी को यहां पे बनाया गया। द रिपोर्ट डिस्कसेस इन डिटेल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी। उसके बाद रिपोर्ट जब सबमिट हुई तो उसमें क्या दिया गया था, रिपोर्ट ने अब सजेशंस भी दे दी, क्या दी थी, इट सजेस्ट्स दैट ऑन ए रेंज ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंडिकेटर्स द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इज कंपेरेबली टू द to that of other marginalized communities like scheduled caste and scheduled tribes, ठीक है। For example, according to the report, the average years of schooling for Muslims children between the ages of 7 to 16 is much lower than that of other social religious communities. इसने क्या पाया कि जो condition है मुसलमानों की यहाँ पे, या जो मुसलमानों की social, economic और जो educational condition है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, या बहुत ज़्यादा आप कहेंगे नीचे है, है ना। तो यहां पे क्या पाया गया कि यहां पे जो एवरेज है 7 to 6 इयर्स के जो बच्चे होते हैं मुसलमानों में, उनकी जो एजुकेशन लिटरेसी रेट है दैट्स लोअर, वो बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू अदर सोशल रिलीजियस कम्युनिटी, जो दूसरी सोशल रिलीजियस कम्युनिटीज है उनके बरक्स अगर उनके कंपैरिजन में हम लेंगे तो मुसलमानों की जो रेट है वहां पे वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो यहां पे आप इस चीज को कैसे खत्म करेंगे, ठीक है। यहां पे देखेंगे अगेन मार्जिनलाइजेशन एंड मुस्लिम्स, या डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में सिर्फ दो ग्रुप्स की बात हुई है, एक आदिवासी दूसरे मुस्लिम समुदाय की यहां पे बात हुई है। इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस्ड बाय मुस्लिम्स हैज अदर डायमेंशंस एज वेल, लाइक अदर माइनॉरिटीज मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्टिव फ्रॉम व्हाट इज सीन एज अ मेनस्ट्रीम, एज अ मेनस्ट्रीम। अगर जो फोटो आपको मैंने दिखाई थी यहां पे, होप कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी, है ना। इनका जैसे मैंने आपको अभी बोला ना आदिवासी के बारे में, है ना, ट्राइबल पीपल के, उनका जो कॉस्ट्यूम होता था, उनका जो कल्चर है, उनका जो हेड गियर होता है, या जो उनका जो ऑर्नामेंट स्टाइल होता है, उसके बिना पर हमको उसी के बिना पे ना क्या किया जाता है कि ये लोग जो है ये ट्राइबल्स है इसलिए हमारी सोसाइटी के पीपल नहीं है, ये एक्सक्लूडेड है, इनको बाहर निकाल के ही रखें, उनको एक्सट्रीम पे रखा है ना। तो आप समझ ले ऐसे, मान लो हमारे पास एक टेबल है, ठीक है ना, तो टेबल पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, सोसाइटी, लेकिन कुछ लोगों को यहां पे भी रखा गया है, है ना, ये बात समझ लिया आप डियर स्टूडेंट्स। कुछ लोगों को जो है यहां पे, जब हम बात करते हैं ना यहां पे, समझे, मान लो ये कोई चीज है, इस पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, है ना, तो कुछ लोगों को हम यहां पे बिठाएंगे, कुछ लोगों को क्या करेंगे यहां पे बिठाएंगे, बात समझ में। अगर इस टेबल को आप हिलाएंगे या इस चीज को अगर आप हिलाएंगे तो सबसे पहले कौन गिरेगा, शाबाश, सबसे पहले ये लोग यहां से गिर जाएंगे। तो ये एक्सट्रीम पे है और इनको मार्जिनलाइज्ड कहते हैं,
बात समझ में आई? तो यहां पे आप आपको ये चीज समझनी है डियर, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे जो है मुसलमानों को जो दिखाया गया, आप देखेंगे इनका जो अलग कल्चर है, इनका जो अलग कस्ट्यूम है या जो पहनावा, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे दाढ़ी अगर रखी जा रही है ना, लंबी दाढ़ी है, तो ये क्या हो गया कि ये मुस्लिम हो गया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे यही इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन experienced by Muslims has other dimensions as well. Like other minorities, Muslim customs and practices are sometimes quite distinctive from what is seen as the mainstream. Mainstream का मतलब ये हो गया जो main group है, जो majority में. Mainstream का मतलब यहाँ पे हो गया जो majority है, ठीक है? अब यहाँ पे आप समझ ले बच्चे, ये जो majority आ रही है, mainstream हो गई जो बीच में बैठी है, majority है ना, उसके बाद minority यहाँ पे है। माइनॉरिटी कहां पे? यहां पे। तो कहते हैं कि मुसलमान का इतना ही नहीं है कि उनको अलग माना जा रहा है सोशली, इकोनॉमिकली या एजुकेशनली, बल्कि समटाइम्स क्या होता है जो उनके जो प्रैक्टिसेस है, जो उनके कस्टम्स है, उस वजह से भी उनको अलग माना जाता है, ठीक है? जो उनके कस्टम्स है या जो उनकी जो प्रैक्टिस, मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, यहां पे इस बात को समझ लो बच्चे, जो मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द मेनस्ट्रीम। जो मेनस्ट्रीम होती है यानी कि जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी और जो माइनॉरिटी के बीच में सिर्फ फर्क नहीं किया जा रहा है, उसको सिर्फ इसी हिसाब से नहीं देखा जा रहा है जो उनका एजुकेशन लिटरेसी एजुकेशन रेट है, जो उनका सोशल डेवलपमेंट है, जो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसी हिसाब से नहीं। समटाइम्स क्या होता है कि जो उनका कस्टम है और जो उनका प्रैक्टिस, उस हिसाब से भी उनको देखा जा रहा है। Some not all Muslims may wear a burqa, sport a long beard, wear a fez, and these become ways to identify all Muslims. आपको पता है कि मुसलमान को जब identify किया जा रहा है, ठीक है, मुसलमान को जब हम identify कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम बोलेंगे कि जो है सब लोग बुरका लगाते हैं या सब लोग जो है यहाँ पे दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो करते हैं वो यही है। तो हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? हम इन चीजों से इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे हमने बोला ना आदिवासी, आदिवासी का देखेंगे यहाँ पे झुमके होंगे, नाक में डाले होंगे, या आपने साउथ अफ्रीकन जो आदिवासी, उनको मुंह में यहाँ पे देखा होगा पलेट जैसे लगा होगा, या इनके यहाँ पे चेहरे पे नक्शे किए होंगे, तो हम उनको बोलते हैं ये आदिवासी है, क्योंकि इनका जो ये सिस्टम है, ये जो कॉस्ट्यूम है, उस हिसाब से। वैसे ही जब हम बुरका देखते हैं, है ना, जब हम बुरका देखते हैं या लंबी दाढ़ी देखे, हम क्या बोल रहे हैं कि ये मुसलमान है, ठीक है? तो एक अलग सी इमेज हम क्रिएट करते हैं जहन के अंदर, दिमाग के अंदर, ठीक है? तो यही चीज यहां पे मेंशनड है डियर। सम नॉट ऑल मुस्लिम्स मे वियर बुरका, स्पोर्ट्स अ लॉन्ग बियर्ड, वियर अ फेज आर डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कुछ लोग इसके आधार पे भी मानते हैं कि ये लोग बुरका पहनते हैं, दाढ़ी लंबी रखते हैं, है ना, या ड्रेस इनका जो है वो कुर्ता शलवार अलग रहता है, तो ये हम में से नहीं है। जैसे हम आदिवासी का बोलते हैं इनका ये कल्चर है, इनका ये चीज है, तो ये हम में से नहीं है, वैसे इनको भी जो है मेन स्ट्रीम वाले फिर यही बोलते हैं कि ये हम में से नहीं है। दे आर व्हाट, दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, ये हम में, हम जैसे नहीं लगते, इसलिए उनके साथ क्या, उनको मार्जिनलाइज्ड रखा है। दस कॉजिंग देम टू बी ट्रीटेड अनफेयरली एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स हैज लेड टू देम माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे हैव लिव्ड, ऑफन लीडिंग टू द गेटोइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, समटाइम्स दिस प्रेजुडाइस लीड्स टू द हैट्रेड। एंड इसकी वजह से क्या हो गया, जब अब ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अब आप समझ ले इसको, इसके आधार पर क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है माइनॉरिटी के साथ, ठीक है? अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, दे मे हैव बीन फोर्स्ड टू लीव द प्लेसेस। अब इसकी वजह से उनको क्या किया जा रहा है, हो सकता है कि वो लोग फिर डर जाते और इस जगह को छोड़ते, और कभी कभी ये जो डिफरेंस बनते हैं, यानी ये जो डिवीजन होता है ना, ये कभी कभी इट लीड्स टू, ये जो डिफरेंस है, सोशल डिफरेंस है डियर, इट लीड्स टू समटाइम्स डिविजन्स। इससे क्या होते हैं, डिविजन होते हैं सोसाइटी में, कभी कभी ये क्रिमिनल वायलेंस का भी शेप या शक्ल इख्तियार कर देता है। मार्जिनलाइजेशन ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, मेजर्स एंड सेफगार्ड्स टू रिड्रेस दिस सिचुएशन। ऑल ऑफ अस हैव टू स्टिक इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड टू रियलाइज दीज राइट्स। विदाउट दीज वी विल नेवर बी एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी दैट मेक्स आवर कंट्री यूनिक, nor realize the state's commitment to promoting equality for all. Ab is cheez ko hum kaise khatam karenge, uske liye zaruri hai ki hame kya karna hoga, we have to follow the laws, we have to follow the constitution, and we have to follow the policies, aise policies, aise programs ya aise laws banane hain jinme hum dekhenge ki har ek community ko yahan pe protected kiya jaye,
ताकि हमारी जो कंट्री है वो यूनिक दिखे, वो डिफरेंट दिखे एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। ठीक है डियर, होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। डियर यहां पे असल में बात हो रही है डिस्क्रिमिनेशन की, जैसे हम आदिवासी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वैसे ही यहां पे जो है डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ भी हो रहा है, लेकिन इनको यहां पे नाम दिया गया है मार्जिनलाइज्ड, जिनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, जिनको हम एक्सक्लूड करते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, मे बी बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, मे बी बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज, और मे बी बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट्यूम्स और प्रैक्टिसेस कस्टम्स, इनकी वजह से। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को कंटिन्यू कंट्री में करेंगे तो दिस में लीड्स क्या कंट्री क्या का क्या हो जाएगा यहां पे शबाश, तो हो सकता है कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, कंट्री डिवाइड हो जाएगी, लेकिन हमें ऐसे पॉलिसीज ऐसे जो लॉज बनाने होंगे ताकि इस चीज को हम जो है बैलेंस कर सके और हमारी जो कंट्री है वो स्मूथली फंक्शन कर सके। होप आपको ये चीज समझ आई होगी डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है लास्ट वाला चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 8th का। टिल दैट टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।